हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी में, और जीबीपी यूएसडी में मुझे बहुत ही शानदार सा सेटअप यहां पे देखने को मिल रहा है। देखिए ट्रेडर, सबसे पहले यहां पे क्या हुआ है जीबीपी यूएसडी में, छोटे वाले टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम हमेशा कन्फर्मेशन लेते हैं, लेकिन आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हम कन्फर्मेशन ले रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। यस, यहाँ पे क्या हुआ, हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मार्केट अभी इस लेवल के आसपास, देखिए यहाँ पे एक हाई लगा, अगर मार्केट ने फॉल किया तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं शॉर्ट अपोर्ट छुट्टी के लिए। इस लेवल के आसपास, इस एरिया के आसपास अगर हमें कोई शॉर्ट अपोर्ट छुट्टी देखेगी तो यहाँ से हम ट्रेड को प्लेस करेंगे। सेल डायरेक्शन में सेटअप बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए फिबोनाची को यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाला हाई एंड ये वाला लो अगर हम मार करेंगे तो यहां से हमें 0.38% का एक फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहां से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहां पे ट्रेड करना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम वेट कर रहे हैं इस एरिया के आसपास। यहां पे अगर हमें मिलता है, इस लेवल के आसपास भी मिलता है तो भी बहुत शानदार रहेगा हमारा। यहां पर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हम इस लेवल से अगर शॉर्ट करते हैं तो इस लेवल का रहेगा हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, देखिए मार्केट ने यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, ये बहुत छोटी मिस भी हमसे हो सकती है। तो मैं ट्रेड को यहाँ से प्लेस करूंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। स्टॉप लॉस हम देंगे सिर्फ इतना एंड टारगेट हम इस लेवल के आसपास देंगे। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी काफी अच्छा हमारे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी इस एरिया के आसपास मिल जाए तो काफी सही रहेगा, काफी शानदार रहेगा हमारा। थोड़ा वेट करिए, यहाँ से हम मार्केट ऑर्डर ही प्लेस कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, देखिए मार्केट अभी आ रहा है हमारे लेवल के आसपास। आने देंगे मार्केट को इस लेवल के अंदर, यहाँ पे मिल जाए तो बहुत ही शानदार रहेगा हमारा ये ट्रेड। ठीक है, काफी शानदार रहेगा। अभी छोटे वाले टाइम फ्रेम में भी यहाँ मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है। गौर से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को देखेंगे, देखिए हमारी ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट करने आ रहा मार्केट, तो यहां से मैं प्लेस करूंगा सेल डायरेक्शन में ट्रेड को। हमारे लेवल पे आने देंगे, हमारे लेवल पे आ जाए मार्केट, बहुत ही कम टाइम में हम हमारे टारगेट को यहां से अचीव कर सकते हैं। यहां पे हमारा कितना रहेगा स्टॉप लॉस 62 पॉइंट का, तो यहां पे हम लॉट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 20 कर लेंगे हम 0.20 लॉट साइज के साथ ट्रेड को प्लेस करेंगे, ताकि हमारे लिए काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पे हो जाए। छोटा सा रिस्क है हमारा, सिर्फ 62 पॉइंट का रिस्क है हमारा इस ट्रेड में, अगर हमारे लेवल के आसपास मिलता है तो। वेट करेंगे यहाँ पे, देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे वेट करना जरूरी होता है। प्रॉपर वेट करेंगे हम, हमारे लेवल के आसपास मार्केट आ जाएगा तभी यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। वैसे तो देखिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, अगर इस एरिया के आसपास भी हम शॉर्ट वगैरह करते हैं ना तो ओनली 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, वरना मार्केट यहाँ पे फॉल वगैरह भी कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, इस कैंडल को थोड़ा ग्रीन बनने देंगे हम, इसके बाद ट्रेड को प्लेस करेंगे सेल डायरेक्शन में। देखिए लाइव मार्केट में किस तरीके से हमें वेट करना होता है, कंफर्मेशन किस तरीके से लेना होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है आपके लिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से फॉल कर दिया है, ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमसे मिस हो गई है। अभी देखिए बातों ही बातों में मार्केट ने एग्जैक्ट हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ से देखिए रीटेस्ट किया है और फॉल करना स्टार्ट कर दिया। देखिए टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा हिट होने ही वाला था। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते ट्रेडर्स, माफ करना, ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमसे मिस हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय का प्लान भी हम यहाँ से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा, थोड़ा वेट करेंगे ट्रेडर्स यहाँ से हम। माफ करना, मैं फास्ट डिसीजन यहाँ पे नहीं ले पाया। ठीक है, आपसे बात करने में थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था थोड़ा और ऊपर आ जाए तो हम ले लेंगे इस ट्रेड को, बट मार्केट ने शार्प फॉल कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमसे मिस हो गई, काफी शानदार अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, अगेन इस लेवल के आसपास आएगा तभी यहाँ पे हम देखने वाले, वेट करते हैं। अभी देखिए सर, मार्केट ने यहाँ से फॉल कर दिया है और जैसे कि यहाँ पे हम सोच रहे थे ऑर्डर प्लेस करने का, ये वाला एरिया काफी शानदार था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया
किया था बट यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर पाए। अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास आया लेकिन यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ये वाला अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गया और मार्केट ने इंस्टेंट यहाँ से फॉल कर दिया। देखिए सर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इंस्टेंट इस लेवल के आसपास यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर रहे थे सेल डायरेक्शन में, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट आया और सार्फ यहाँ से फॉल कर दिया, यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एंट्री मैंने यहाँ पे नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ से मौका दिया लेकिन यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा कम हो गया था क्योंकि ये वाला जो हमें टारगेट चाहिए था मार्केट ऑलरेडी अचीव कर चुका था, ठीक है, ये वाला टारगेट मैं सोच रहा था। तो सेकेंड टाइम यहाँ से मार्केट गया अभी बट कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने सार्फ फॉल कर दिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से सार्फ फॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम लॉजिक को समझ लेंगे, किस लॉजिक के साथ यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर रहे थे सेल डायरेक्शन में, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। हमने सिंपल ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से मार किया, फाइनली हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद इस लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो मैं यहाँ पे देख रहा था साइलेंटली यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं इस लेवल के आसपास। यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यस देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम 1 मिनट में तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल एक ट्रेंड लाइन को मार किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन देखा, अगेन यहाँ से मैं वेट कर रहा था रजिस्टेंस का, ये हमारी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आया मार्केट, इसके बाद यहाँ से हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो यहाँ से हम सेल करेंगे, बहुत शानदार सेटअप है और यहाँ से हम काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा था थोड़ा और ऊपर आ जाए ना तो काफी अच्छा रहेगा, तो मैं कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस भी हो गई और मार्केट ने हमारा हमने जो टारगेट दिया था वो भी टारगेट यहाँ से बहुत कम टाइम में अचीव कर दिया। और देखिए अभी मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ से फॉल वगैरह भी कर दिया है, देखिए कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई ना ट्रेडर्स तो आपको पेशेंस रखना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, ऐसा करके आपका माइंड सेट होना चाहिए। सॉरी ट्रेडर्स आज हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए, हमें फास्ट डिसीजन लेना चाहिए था बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे अंदर ग्रीड आ गया था। यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैं सोच रहा था यहाँ पे अगर मिल जाए तो हमारा छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, कुछ पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं हम ये वाला जो हमारा अपॉर्चुनिटी था वो मिस कर दिया है, ठीक है। बाकी आज मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, जैसा कि आप वॉइस से यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है, तो स्वास्थ्य भी आज थोड़ा ठीक नहीं है तो जिसके कारण भी आज मैं काफी लेट ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी नाइट को यहाँ पे बजे हुए हैं 10:51, यानी कि ऑलमोस्ट रात को 11 बजे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट के टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं ट्रेडर्स, नेक्स्ट डे हम ट्राई करेंगे। बाकी हमें सेटअप परफेक्ट मिले तभी ट्रेड करना चाहिए, बीच में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए पेशेंस के साथ हमें वेट करना होता है, ऐसा नहीं बस रेंडमली कहीं भी हमने ट्रेड को बाय और सेल कर दिया, ऐसा नहीं करना होता है ट्रेडर्स, प्रॉपर लेवल के लिए हमें वेट करना होता है। देखिए कितना शानदार लेवल है, मार्केट ने यहीं से फॉल किया। अब यहाँ पे हम सोचें कि ट्रेड को सेल कर लें तो ट्रेडर्स मान लीजिए अगर यहाँ सेल करते स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास, हो सकता मार्केट ऊपर चला जाता स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस आ जाता तो फिर हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। जब आपको परफेक्ट सेटअप मिले, परफेक्ट जगह आपको एंट्री दे मार्केट, तभी हमें एंट्री करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हालांकि हम वीडियो में लाइव ट्रेड करने का था बट ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन सेटअप मैंने सारी चीज आपके साथ एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।